कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय गोरखपुर में जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किया जारी है। बृहस्पतिवार को इसी क्रम में जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में अस्पताल के सफाई कर्मचारी द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी OPD, जनरल OT, इमरजेंसी वार्ड, फीमेल ऑर्थो वार्ड और मेल ऑर्थो वार्ड सहित आइसोलेशन वार्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया गया। इस संबंध में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि अस्पताल महकमा को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए अस्पताल परिसर में बने इमरजेंसी OPD और वार्डों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने कहा, अरे सर पकवान खाना बता रही हो। अच्छा अच्छा कर रहा हूँ सर, मैं सर मुझे तो हाँ ये हमारे यहाँ एक नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि कभी भी कोविड का मरीज आ सकता है तो हम लोग पूरी तैयारी रखते हैं और जितने जो हमारे वर्कर्स हैं वो वार्ड में OPD में और पीछे के वार्ड में आते हैं, काम करते हैं और कभी दीवार पे हाथ टच हो जाता है, कभी चेयर पे टच होता है और उसमें मरीजों का डिफरेंट टाइप के मरीजों का आवागमन बहुत रहता है, तो ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा मरीज में क्या कैरियर के रूप में है, इसलिए सैनिटाइज करना अति आवश्यक है। हम लोग रोज़मर्रा में इसको कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं थी। अभी नगर निगम से हमने बोरो किया है कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने हमें एक बोरो करने पे एक मशीन दे दी है, उस मशीन से हम दोनों टाइम सैनिटाइज करा देते हैं पूरे हॉस्पिटल को, ऑफिस को और ये OPD परिसर को डील किया जाता है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड से।